जगत फंजाई, कवक। पहला, अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। ये तंतुओं का जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइजीलियम कहते हैं। इस जगत के जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक व विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए म्यूकर, यीस्ट, येगेरिकस, मशरूम, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि। आपने नमी युक्त डबल रोटी पर, बरसात के दिनों में, चमड़े के जूते पर तथा कभी-कभी अचार में जाल युक्त संरचनाएं देखी होंगी। यह फंजाई यानी कि कवक है। कुकुरमुत्ता भी कवक है। यह कवक सहजीवी, मृतोपजीवी तथा परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कुछ कवक हानिकारक होते हैं तो कुछ लाभदायक भी होते हैं। कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं तो कुछ कवक जैसे यीस्ट का उपयोग रोटी, ब्रेड या बियर बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही कुछ कवकों से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्या आप जानते हैं, लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय है। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े होते हैं कि ये एक ही जीव प्रतीत होते हैं। शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने भोजन का उपयोग कवक कर लेते हैं। कवक के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त हो जाते हैं। लिटमस एक प्रकार के लाइकेन से ही बनते हैं।